का था इंतजार वो घड़ी आ गई एंड दैट्स द माय ड्रीम मशीन मेट्रो गाड़ी बुला रही है गाड़ी अब जा रही है। हर छोटा बड़ा शहर जाम से परेशान है, मेट्रो में सफर करिए जनाब, यही एक लौता समाधान है। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। फाइनली और ऑफिशियली मैं मेरा कानपुर और हम कानपुर ये मेट्रो वाले हो गए हैं और अब न्यू पर्सन इन कानपुर सिटी। मेट्रो की सवारी कैसी होती है, आज का सफर और आज की नज़र मेरे साथ। ये कैसे चलता है यार, ये बड़ा बढ़िया है यार, सैनिटाइजर ऑटोमेटिक है। आई आई टी टिकट्स, और ये टिकट्स 2 घंटे तक वैलिड रहेंगे, मतलब आपका जो सफर है, आपकी जो नजर है, आपकी जो जर्नी है, यू कैन कंप्लीट विद इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे से एक्सीड करेगा ये टिकट वैलिड ही होगा, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे हम सफर है मेट्रो के। उत्साह मैम, व्हाट इज दिस? बिस्किट है। यस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। सो ये कानपुर मेट्रो में हमें बिस्किट मिला है आते वक्त, पहला दिन है तो ये ज्यादा हेल्प करेंगे हमारी। अच्छा ये थैंक यू सो लॉट। गेट पास इधर से। दिया था मेट्रो के पहले दिन की जर्नी में एक ऐसा उत्साह भी था कि हमने बैग अपना चेक इन में छोड़ा और भूल गए। I told him कि भैया मेरा बैग छूट गया है एंड ही इज टेकिंग। सो दैट्स कानपुर मेट्रो, मतलब ये मेरा बैग क्या है, कैमरा है उसका, नहीं करूँगा। सो थैंक यू लॉट भैया। तो आई वॉज इन द मेट्रो, और मेट्रो चूंकि हमारा ऑफिशियली शहर मेट्रो वाला हो चुका है, लोग मेट्रो वाले हो चुके हैं, और हमारा कानपुर का रेडियो और रेडियो वाले भी बहुत। सो रेडियो सिटी 104.8 FM, कानपुर का जो मेट्रो में आप सुनेंगे, जो रेडियो सुनेंगे, दैट विल बी रेडियो सिटी 104.8 FM। ही इज अभिषेक, आई एम आरजे हरी, एंड ये कानपुर वाले हैं। कैसे हो भाई, एक बार जोर से बोलो कैसे हो। चलो ये बढ़िया है। सो अभिषेक, सो इनका परिचय, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दे दिया। नहीं, देने की जरूरत भी नहीं है। हरी भाई को मैं बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, ही इज अ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी चार्मिंग काइंड ऑफ आरजे, और इनकी आवाज में जो जादू है, मतलब ये कानपुर के अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन है आवाज के मामले में। तो मैं मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये इत्तेफाक की बात है, कोई प्लान नहीं था। आई वॉज इन द मेट्रो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जर्नी एंड आई गॉट द रेडियो सिटी स्टॉल केनोपी वेयर आई गॉट हरी भाई। थैंक यू सो मच। आप आए और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और देखिए ऐसा है कि उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन कहा, मैं तुम हाँ या ना में जवाब देना, जोर से देना। क्या अभिषेक कानपुर का रणबीर कपूर है या नहीं, इसी अदा में तो हरी भाई के फैन हो जाते। और अगर आप रेडियो सिटी सुनते हैं तो हरी भाई को सुनना ना मिस करें। हरी भाई की तरफ से स्वीट जेस्चर, ये बिस्किट का पैकेट फ्रॉम रेडियो सिटी। थैंक्स लॉट भैया, थैंक यू लॉट। दिल्ली मेट्रो और कानपुर मेट्रो में बेसिक डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो थीम का कलर है वो ऑरेंज है। वे 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 वे।
फील आ रही है दिल्ली वाली मेट्रो वाली फील आ रही है भाई वो नजारे देगी नजारे लोग देख रहे हैं जो हौले हौले चलती है तो आप लोग कौन सा गाना गाते जरा गाने बता देते आई कॉल दिस लक्ष्मण रेखा दे विल विसिल यू पी 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 और डंडा भी पड़ सकता है जो से पार्ट बच के रहेगा इसके अंदर है ना सेफ्टी के लिहाज से एंड हम प्लेटफॉर्म पे थे तो हमें कुछ भैया लोग मिले आप लोग कहाँ से आए हैं मैं आईआईटी में एम्प्लॉई अच्छा अरे तो पहली बार केवल मेट्रो में सवारी के लिए आए हैं अपने शहर की मेट्रो देख के बहुत खुशी हो रही है गर्व हो रहा है गर्व हो रहा है आप फाइनली कह सकते हैं कि यू आर अ कनपुरिया मेट्रो वाला कनपुरिया क्या कनपुरिया बोल लीजिए एक बार आज गाना नहीं चल रहा लैया बड़ी करारी है लैया बड़ी करारी है मेट्रो की करनी है सवारी है मेट्रो के सफर से कुछ थोड़े नियम कानून है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड इफ यू ब्रेक दिस कानपुर मेट्रो विल ब्रेक योर पॉकेट इन द सेंस कहने का ये है कि अगर आप नशे की हालत में पाए जाते हैं कुछ आपत्तिजनक सामान ले आते हैं कुछ ऊटपटांग हरकत करते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रदर्शन करते हैं उल जलूल और लंबी चौड़ी लिस्ट है इसका फाइन 500 रुपीज से 5000 तक जाता है और आपको 6 महीने तक सजा भी हो सकती है कानपुर की जो मेट्रो है उसमें जो बोगियां हैं या डिब्बे हैं वो 3 हैं शहर के हिसाब से ये तय किया गया है इफ़ यू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो यू गेट 6 to 7 बोगीज या 8 बोगीज यू ट्रैवल इन लखनऊ देन यू गेट 4 बोगीज एंड हियर यू गेट 3 बोगीज या 3 डिब्बास हिंदुस्तान में जितनी भी जगह अनाउंसमेंट वाली आवाज मेट्रो में आती है वो शम्मी नारंग और रिनी खन्ना की किसी जमाने में कानपुर गंदगी के लिए बदनाम हुआ करता था लेकिन कानपुर मेट्रो इसके विपरीत एक नई मिसाल पेश कर रहा है और वो सैनिटेशन के लिहाज से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है टाइट है तो दैट्स द वॉशरूम्स और देख लीजिए ठीक ठाक हिसाब किताब और यहाँ पर अवेयरनेस के लिहाज से मैसेज भी लिखा है कि आप 20 सेकेंड तक हाथ धोइए कोरोना काल है तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सुविधाओं के लिहाज से एक और अच्छी चीज भी है कि पानी की व्यवस्था भी है या पानी आएगा कैसे ये पुश करना पड़ेगा अरे वाह ये देखिए ये यार ये तो अत्याधुनिक है पीने में भी इसको समस्या हो रही है थोड़ा सीखना समझना पड़ेगा तो मेट्रो वाले नए हुए हैं जैसे जैसे ढलेंगे मेट्रो में वैसे वैसे इसको पीना भी सीख जाएंगे मुस्कुराइए आप कानपुर मेट्रो में हैं और अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल है दरवाजे हर तरफ से खुले हैं आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आई होप ये मेट्रो का एक जर्नी बेस्ड वीडियो आपके बहुत काम आया होगा
और रफ आइडिया में इसने आपको दिखाया समझाया और बताया होगा कि हमारा शहर जो मेट्रोनुमा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसकी सवारी कैसी है। तब तक के लिए बाय रहेगा। कैसा लगा? मजा आया, बहुत मजा आया, जबरदस्त।